हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रेनू और आज आप आए हैं गूगल किचन में। और आज गूगल किचन में क्या बन रहा है आप लोगों को पता है? कल जो मैं लाइव में बनाने वाली थी ना, सिंचैन केक, जो सेमी फॉन्डेंट केक बनाने वाली थी, पर वो मैं नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और जो हमारा रस मलाई का केक था ना, वो बनाने लगी मैं इसके लिए। और ये मेरे देखिए, आज मैं तो दिखा दूंगी फिर भागूंगी। तो अभी मैं जो पाइनएप्पल केक हमारा बनाना है, सिंचैन थीम है, ठीक है। और ये चार लेयर में मैंने इसको कट किया है, ठीक, चार लेयर दिख रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रेनू राजा पायन कुकिंग किचन में। और लगातार 7 दिन वीडियो नहीं आई, उसके लिए बहुत बहुत हाथ पैर जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर, मम्मी से मिलने, मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेट करने। बस वो वीडियो हमने नहीं डाली है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वीडियो देखने में। पर कोई बात नहीं, मैं ना कुछ नया आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ, ताकि उस वाले नए वाले चीज में ना आप पक्का इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं, मुझे पता है। और सुनिए, अभी ना चलिए क्या कर रही है, हाँ ठीक है कर लो। और अभी आज जो मैं केक बनाऊंगी ना, ये तो सेमी फॉन्डेंट केक है, लेकिन कैसे इसमें ना, मैंने कल लाइव में आने से पहले ये बताया था कि मैं उसे पैकिंग दिखाऊंगी, प्राइसिंग दिखाऊंगी और सेलिंग दिखाऊंगी, कैसे कितना प्राइस रखना है अगर हम सेमी फॉन्डेंट केक बना रहे। तो आज ये सारी चीज मैं इसमें कवर करूंगी, ठीक है। तो ये पहले क्रीम वाला केक हमें रेडी करना, और ये फ्लेवर है पाइनएप्पल, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है, फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, और उन लोग सबको, मतलब मेरे हाथ का पाइनएप्पल केक हमारे यहाँ ना बड़ा फेमस है, सबको बहुत ही बढ़िया लगता है टेस्ट। तो ये मैंने चार लेयर की काटी, और ये मैंने लाइव में इसका स्पॉन्ज बनाना भी बताया था कि कैसे आप स्पॉन्ज बनाएंगे, ठीक है। और ये होममेड प्रीमिक्स से हमने बनाया है स्पॉन्ज, और बहुत ही सुपर सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि कटिंग में देखिए टूट सी गई है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप ही जानना चाहते हैं कि कैसे बनाना है, तो आप ही जानना चाहते हैं कि कैसे बनाना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इतना सा निकल गया क्रम कोड, इस वीडियो आप ऐसे रेगुलर डालते हो वो, तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं लाइव आके क्लास में बताऊं या फिर ऐसे, तो आप लोग जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप केक बनाएंगे, तो थोड़ा सा क्रीम लेंगे और अपने जो हमारा बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे लगाएंगे जरूर। इससे क्या होता है ना, केक हमारा एकदम अच्छे से चिपका रहता है। देखिए यहाँ वहाँ क्रीम लग गया है, तो ये मत सोचिएगा कि भैया मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो बेस होता है, वो मैं लगाती हूँ हमेशा नीचे। बहुत सारे लोग इसको बीच में भी लगाते हैं, तो आप बीच में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो हमने पानी लिया है, ये बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, ठंडा पानी लेना है, और इसमें डाल देना है हमें ये क्रश। तो ये हमने पाइनएप्पल क्रश लिया है, और साथ में फ्रूट भी डालूंगी, जो रियल वाला फ्रूट होता है ना, वो भी मैं डालूंगी, ताकि टेस्ट एकदम बढ़िया वाला आए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आएंगे, कटिंग भी दिखाऊंगी मैं इसकी कि कैसे हो रही है, वो भी दिखाऊंगी। तो सॉरी सॉरी भैया, हमारे यहाँ कट गया है लाइट, ठीक है। जेरी देखो जरा, कुछ भींगने वाला है क्या बालकनी, और आ गई है भयानक वाली बारिश, क्योंकि अभी मुंबई कुछ नहीं भाई, आपको नहीं कह रही, हमारे मुंबई में बारिश हो गई है स्टार्ट, और यहाँ की बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, फिर से हो रही है। तो ये पाइनएप्पल मैंने ले लिया है, और ये मैं लेके आई हूँ अपने जूस वाले भैया के यहाँ से, बोल गए कि भैया हमें 10 रुपये का पाइनएप्पल ले लो। तो फिर भैया जी ने दे दिया और मैंने ले लिया, और इसको क्या करेंगे कट, ठीक है। और एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आएगा, एकदम छोटा छोटा पीस में कट कर रही हूँ। तो मैं इसमें ये रियल वाला भी फ्रूट डालूंगी, पाइनएप्पल डालूंगी, और जो क्रश आता है वो भी डालूंगी। ये देखिए क्या हो जाए, नहीं मिल रहा कलर, यही तो कलर है, पूरा भंडारा यहीं पड़ा हुआ, कहाँ से लो, हाथ लंबा करो पीछे से आओ। अगर आप ग्लव्स पहन के करना चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और एकदम रियल करना चाहे, रियल बनाना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए आ क्या हुआ, लाइट गई। सर जी, सर जी, तो लाइट गया, लाइट तो गया ही, कब से लाइट ही गया सर जी। तो ये हमने पाइनएप्पल को एकदम छोटा छोटा सा टुकड़ा में कर लिया है कट। अगर आपको इसको बॉईल करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको चीनी और पानी के साथ बॉईल भी करेंगे,
पर मैं इसको बॉईल नहीं करूंगी, पूरा फ्रेश ही डालूंगी और टेस्ट एकदम वाला आएगा। चलिए तब, अब लाइट नहीं है तो अंधेरे में ही मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ ध्यान है यार, बिना सो किए ही फटाफट से ब्रश रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें जो हमने डाला था पाइनएप्पल क्रश और पानी, ठंडा पानी और पाइनएप्पल क्रश, इससे क्या करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे सोक। अब क्या करेंगे, ले लेना है हमें इसके ऊपर क्रीम, ठीक है। ये रहा, तो हमने डाल दिया है क्रीम और चार लेयर हम इसकी करने वाले हैं। तो ऐसे फटाफट से इसको अच्छे से फैलाएंगे। बाप रे, बादल गरज रहा है भाई, भयानक वाला। जे नहीं सच में भी बारिश आ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, स्कूल जाने में नहीं आएगा। क्या फाइनल वाला जो आता है, छह सात दिन का नहीं, चार महीने लगातार, ठीक है। तो वापस से मैं इसके ऊपर डाल दूंगी पाइनएप्पल क्रश। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश डालने के बाद हम लोग डालेंगे जो रियल वाला हमारा फ्रूट है वो, और एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आता है ना, तो पक्का डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैं चॉप करके थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल रही हूँ, जैसे हम कैसे रसमलाई वाले में बनाते हैं तो रसमलाई डालते हैं कुछ वैसे ही। अब ये एक एक पीस जब जाएगा ना तो मतलब आहा वाली फीलिंग आएगी। तो डाल दिया, देखो आहा वाली फीलिंग आ गई। और ये टूट गया था तो ठीक है। तो ये जो हमारा टूटा वाला स्पॉन्ज है ना, इसको भी हम अच्छे से प्लेस करेंगे, ठीक है। और ये क्यों टूटा है, अगर आप लाइव वाली हमारी वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कल लाइव मैंने ये होममेड प्रीमिक्स से कैसे आपको बनाना है बेस ये बताया था, तो वही वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम बढ़िया है। तो फिर से क्या करिए, एकदम अच्छे से कर दीजिएगा सोक, एकदम बढ़िया से सोकिंग करिएगा। डरिएगा बिल्कुल भी मत कि कोई अगर ये कहता है कि सोकिंग ज़्यादा मत करना भैया, नहीं तो केक गीला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम बढ़िया से सोक करिए और फिर केक रेडी कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़िया से साइड साइड को बढ़िया से करिएगा। जब भी आपके केक की साइड वाली लेयर अगर लगे ना कि थोड़ी ड्राई है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अच्छी वाली सोकिंग करिएगा। लेकिन सोकिंग करने के बाद आपको फ्रिज में सेटल भी बढ़िया से करना होगा। सेट अच्छे से करेंगे, केक आपके एकदम 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 सुपर माइंड ब्लोइंग बनेगी, ठीक है। तो चलिए आज सिंचैन भैया जी को हम लोग उतार देते हैं अपने केक के ऊपर और इसको हम लोग फैला लेते हैं। और कौन कौन मिस किया, मैं अभी इतने दिन तक नहीं थी तो कौन कौन मिस किया मेरी वीडियो को, कौन कौन मिस किया, और आप लोग किए कि नहीं किए ये मुझे पता नहीं, पर मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था अरे यार वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ऑर्डर सारे कैंसिल कर रही थी क्योंकि जो मदर्स डे के ऑर्डर्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा थे। मदर्स डे के दिन मैंने 8 अपने ऑर्डर कैंसिल किए थे, अगर मैं होती तो शायद वो 8ों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाती। बस एक मेरी बेटी ने बनाया और शायद उसकी वीडियो भी, बच्चे ने वीडियो बनाई है ना उसका, तो जो जेनी ने बनाया था उसकी वीडियो भी जेनी बनाई है, मैं वो वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, वो भी अच्छा केक बनाया था मेरी बेटी ने। तो ये वापस से हमने अपना जो पाइनएप्पल क्रश था वो फैला दिया है और फिर से ले लिया जो हमारे ये पाइनएप्पल को जो हमने चॉप करके, मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इसको पहले फैला लेती हूँ फिर दिखा लेती हूँ। ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा कट करिए और फिर पूरे केक में ऐसा फैला दीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए अगर ना पसंद हो तो। वैसे ये फ्रेश वाले डालेंगे ना सबको पसंद आएंगे, सबको। तो ये सबको पसंद आने वाला पाइनएप्पल केक कर रहे हैं रेडी, और इसमें ना ढेर सारा जो ये फ्रूट डाल रहे हैं ना एकदम असली वाला, असली वाला मतलब पाइनएप्पल जो मार्केट में मिलता है ना फ्रेश फ्रूट, वो डालिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। जब क्रंची क्रंची आएगा ना एकदम, छोटा छोटा बाइट कट करिएगा, ज़्यादा मतलब बाइट नहीं भैया, छोटा छोटा पीस कट करिएगा ताकि खाने में एकदम बढ़िया लगे, स्वाद आए एकदम, मतलब हर बाइट में अगर आपको पाइनएप्पल मिले तो। मैंने सारे लेयर में जब डाला है ना तो पक्का सब में आएगा ही आएगा, अगर एक एक पीस भी कहीं से भी कट करके, अगर 1 किलो का हमारा ये केक है, ठीक है। अगर बर्थडे जहाँ पर हो रहा है और मैं खुद भी गई थी तो कम से कम 40 से 50 लोग थे वहाँ पे, और पक्का सबके पास में एक एक पीस, दो दो पीस, चार चार पीस, पांच पांच पीस पाइनएप्पल वाले गए ही होंगे जो हमने अंदर छोटे छोटे कट के डाला है वो, और सब एकदम यम्मी 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 करके खा रहे थे, ठीक है। तो वापस से हमने दूसरी तीसरी वाली लेयर भी लगा दी है क्रीम की, अब इसके ऊपर लगा देंगे फिर से हम अपना पाइनएप्पल वाला क्रश। तो अगर आप लोग ऐसे नहीं कभी बनाए ना तो ये वाला ट्राई करिएगा, और अगर आपको चूई चाहिए जो अभी मैंने डाला है ना पाइनएप्पल,
वो क्रंची लगेगा। अगर आपको चाहिए वो चुई तो क्या करना है, ले लेना है चीनी, और चीनी के साथ थोड़ा सा डाल दीजिए पानी और एक उबाल दे दीजिएगा, उससे भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो ये हमने क्या किया, फिर से जो बचा हुआ हमारा पाइनएप्पल था वो भी डाल रही हूँ। अब फिर से लास्ट वाली चौथी वाली लेयर रखेंगे और पहले अच्छे से सोक करेंगे। भैया ऊपर वाला पार्ट योगे देख रहे हैं ना, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हो गया है डार्क इसके। और ये हमारा होममेड प्रीमिक्स है, मार्केट वाला प्रीमिक्स हमने नहीं बनाया है। और होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों दिया हुआ है, रेड वेलवेट का भी, चॉकलेट का भी और वनीला का भी, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, और इसकी लाइव वीडियो भी मैंने दिखाई अभी, कल जो आप मेरी लाइव देखेंगे ना उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो फिर से थोड़ा थोड़ा लीजिए क्रीम और चारों तरफ लगा दीजिए एकदम बढ़िया से, देख रहे ना कैसे लगाना है, ऐसे ही एकदम सुंदर सुंदर लगा दीजिए। और फिर ले लीजिए स्क्रैपर, नहीं तो ले लीजिए एक्सरे की सीट, नहीं तो ले लीजिए जो कपड़े वाले दुकान पे कार्ड मिलता है, अब तो नहीं मिलता है, पहले मिलता था वो कार्ड ले लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले मिलता था आज नहीं मिलता, आज भी कार्ड आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके घर में आपको मिल ही जाएगा। तो जब भी करेंगे फाइनलाइजिंग तो ये जरूर देखिएगा कि भैया कहाँ कहाँ पे गड्ढे रह जा रहे हैं। जब भी हम स्क्रैपर से स्क्रैप करेंगे ना, तो जहाँ गड्ढा लगेगा कि अरे यहाँ पे रह गया, यहाँ फिनिशिंग नहीं हो रहा, तो फिर से लगा दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके क्रीम। अब क्रीम लगाने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से कर लेंगे स्क्रैप जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे कर लीजिए और फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार में फिनिशिंग होती है उतनी बार में फिनिशिंग करिए, घबराइए मत भाई, हो जाएगी हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि दीदी हमारी केक में ना फिनिशिंग नहीं आ रही है, क्रीम लगाते हैं तो क्रीम ना दिखने लगता है, बेस दिखता है हमारा, ऐसा क्यों हो जा रहा है दीदी। तो अंदर आप क्रीम भले कंजूसी से काम कर ले, लेकिन बाहर भैया लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्रीम जरूर लगाइएगा, मतलब अच्छे से, ताकि बाहर वाली फिनिशिंग हमारी अच्छी आए। तो ये हमारा हो गया। अब मैं बचा हुआ जो क्रीम है ना उसमें डालूंगी ब्लू कलर। तो ये ऑफ वाइट कलर का हमारा क्रीम है, क्योंकि हमने पाइनएपल इमल्शन डाला था इसमें इसके लिए। तो जब ऑलरेडी आपकी क्रीम ऑफ वाइट है तो उसमें जब कलर डालेंगे तो कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर ये पूरा व्हाइट होता हमारा क्रीम, तो ये जो आसमानी आप देख रहे हैं ना, हल्का अलग सा जो आसमानी दिख रहा है वो ऐसा नहीं दिखता, वो पूरा प्रॉपर जो ब्लू वाली आसमानी आती है ना वो दिखता है, ये अलग दिख रहा है और वो अलग होता है। लेकिन अभी काम इसे चलाना पड़ेगा भैया, क्योंकि अभी कौन जाएगा क्रीम बीट करने, और ये क्रीम मैं क्या करूँगी इसके लिए, ठीक। तो अभी क्या करना है, ले लेना है अपना ये क्रीम और अपने नाइफ से बढ़िया से उसको फैलाइएगा। आप चाहिए, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए पाइपिंग बैग, और पाइपिंग बैग में बढ़िया से क्रीम को भर के और साइड में ना, और ये पूरा, और ये पूरा जानते हैं कितना आपको कवर करना है ये भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको पूरा का पूरा हाफ कवर नहीं करना है, हाफ से थोड़ा सा कम जो रहता है ना वो कवर करना है, ये देखिए ऐसे। और फिर बढ़िया से एकदम क्लीन करिएगा, जैसे हम फाउंडेंट बिछा के रखते हैं ना वैसा कुछ। तो हम तो फाउंडेंट का कर नहीं रहे हैं, तो हम कर रहे हैं व्हिपिंग क्रीम का। तो फिर स्मूथनेस वैसी दिखानी है, टेक्सचर कुछ वैसा ही दिखाना है कि हाँ भैया एकदम परफेक्ट वाला हमने बनाया है, ऐसा आपको दिखाना है। तो ये हमने कर लिया। अभी मैं ले रही हूँ फाउंडेंट, तो ये मैं बेक ब्रांड का ले रही हूँ, ठीक है। और नीचे देखिए लिखा हुआ है ब्राउन शुगर पेस्ट। बहुत सारे लोगों को ये बड़ी कन्फ्यूजन है, दीदी शुगर पेस्ट क्या है और साथ में फाउंडेंट क्या है, दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि इस पे शुगर पेस्ट लिखा है, ये हम पे फॉन्डेंट लिखा है, तो असली वाला कौन है नकली वाला कौन है, भैया असली वाला नकली वाला नहीं देखना है। फॉन्डेंट मिल जाए तो वो भी लीजिए और शुगर पेस्ट मिल जाए तो वो भी लीजिए। और यहाँ इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, मुझे तैयार भी होना था, और उसी दिन मैं आई थी अपनी मम्मी के यहाँ से मुंबई वापस। तो फिर जल्दी जल्दी बाजी में आज मेरे दो केक के ऑर्डर थे, दोनों केक के ऑर्डर मुझे कंप्लीट करने थे। तो मैंने बोला अपनी बेटी को कि भाई मेरी मदद कर दो, तो उसने पूरा का पूरा हमारा जो सिंचैन का फेस है ना वो फॉन्डेंट से बना के हमें दे दिया। तो मैं अभी जितना वो बनाया था ना वो बहुत छोटू लग रहा था, तो हमने क्या किया, मैं बोला अरे यार ये 1 किलो का केक है, आधा किलो का केक नहीं है। अब 1 किलो का केक बड़ा होता है तो उसका जो मुँह है ना वो भी बड़ा ही बनाना पड़ेगा। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, और फिर ये हमने फाइनली सिंचैन का जो है ना हमारा क्या बोलते हैं फेस, वो कर लिया रेडी। तो सिंचन का फेस भी बड़ा अजीब सा, ऊपर का मुंह मोटा और ऐसा है ना, तो वैसा ही कट कर रही थी, और वो भी बिना किसी लाइन के। तो अगर आपको लगता है ना कि ये पूरा प्रॉपर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा आपसे, तो आप फूड कलर आता है, फूड स्केच कलर आता है वो ले लीजिए, उससे पहले ड्रॉ कर लीजिए निशान और फिर आप कट करिए, तो उससे अच्छे से एकदम बढ़िया से कट हो जाएगा, एकदम जो जैसा चाहिए वैसा। तो आप वो स्केच जरूर रखिएगा, मैंने भी खरीद के रखा है, बट जेनी बना दे रही थी तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो एकदम आराम आराम से ये हमने यहाँ पे इस साइड में उसका फेस रहेगा जो अभी साइड देख रहा है, ये साइड उसका कान वाला है। तो कान आपको देखेंगे दो दिखेगा यहाँ पर दो नहीं है, एक कान है और एक उसका हाथ है। तो ये कर रही हूँ,
तो अब बनेगा सिंचन का मुंह, लेकिन पहले प्रॉपर शेप जरूर कर लीजिएगा, और ये अपने केक के ऊपर लगाने के पहले, और मैंने बताया था कि जब भी सेमी फॉन्डेंट केक बनाते हैं ना, तो भाई ये फॉन्डेंट बना के अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और क्रीम हमारी जो क्रीम के ऊपर ही डालेंगे तो स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोग मार्किंग करेंगे कहाँ पे उसका आँख अच्छा लगेगा, कहाँ पे उसका मुंह अच्छा लगेगा, ऐसा हम लोग अभी सोच रहे हैं। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना इधर रेड रेड कलर का, वो आपको ना ऐसे छोटे छोटे जैसे स्प्रिंकल मार्केट से लेके आते हैं ना, कुछ इस तरह का ही स्प्रिंकल मैं बना रही हूँ, लेकिन वो फुल्ली फाउंडेंट, फुल्ली मतलब फुल्ली नहीं भैया, फाउंडेंट से कट करके बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा स्प्रिंकल अभी फिलहाल में नहीं है इसके लिए। तो वापस से नीचे जो रेड वाला देख रहे हैं वो मुंह हो गया, और जो इधर देख रहे हैं वो हो गया आंख, आंख भैया फेस नहीं, फेस तो पूरा ही होता है, आंख हो गया। तो जल्दी जल्दी मैं और जेनी मिलके फटाफट से कर रहे हैं इसकी तैयारी। तो ये मैंने ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर सबका स्प्रिंकल बना लिया, कुछ गोल गोल भी बनाया क्योंकि गोल गोल भी था उसमें इसके लिए। फिर मैंने आईब्रो बना दिया है मोटा मोटा, क्योंकि सिंचन का आईब्रो बड़ा भयानक होता है राक्षस के जैसा, वैसा ही। फिर मैंने क्या क्या ले लिया, और उसको मैं चली स्टिक करने, क्योंकि अब देने का टाइम आ गया है। तो मैंने फ्रीजर में केक को अच्छे से सेट कर लिया 1 घंटा, और अब मैं क्या कर रही हूँ ये सिंचन को उठा के उसके ऊपर रख रही हूँ। फिर लगाएंगे फाउंडेंट, और फिर ना ब्लैक को ब्लैक कैसे करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है भैया कि ब्लैक को ब्लैक कैसे किया जाए। तो मैंने ले लिया है पॉपुलन का ब्लैक कलर और डाल दिया अपने क्रीम में, और अच्छे से करेंगे इसको मिक्स, और एकदम बढ़िया। पॉपुलन का रेड कलर भी बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे, और ब्लैक भी बहुत ही बढ़िया है। तो मैं वही ब्लैक कलर डाल के, आप चाहे यहाँ पे ना तो चॉकलेट गनाश जो आती है ना, आप उससे भी ये कर सकते हैं, बट वो पूरा प्रॉपर ब्लैक नहीं आएगा, गनाश थोड़ा सा रहता है ना ब्राउन वाले शेड में, वैसा आएगा। लेकिन मुझे पूरा ही ब्लैक चाहिए था, और फोंडेंट का यूज़ यहाँ पे नहीं करना था मुझे, तो इसके लिए मैंने क्रीम में ही ब्लैक पॉपुलन का ब्लैक कलर डाल दिया, अच्छे से उसके बाल बना दिए। अब बनाना उसका कुत्ता, तो कुत्ता बनाने के लिए भी मैंने क्या किया, वही वाली क्रीम से डायरेक्ट बनाने को ट्राई किया मैं, और देखती हूँ जो होगा सो देखा जाएगा, बट एकदम सुंदर बन गया था भाई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं भी इतना सुंदर बिना ड्रॉ किए भी बना सकती हूँ। तो 2 कान बनाए उसके, अब 2 आँख भी बनाऊंगी, ये देखिए। और फिर उसका जो मुंह और नाक का एक ही दिया हुआ था, और ये डिजाइन मैंने मेरे कस्टमर ने जो भेजी थी वो थी पिंटरेस्ट की, क्योंकि मैंने सेम जब सर्च किया ना सिंचैन केक, सेमी फॉर्मल सिंचैन केक, तो मुझे ये वाली डिजाइन दिखी थी, और उन्होंने भी जो कस्टमर है हमारे उन्होंने भी ये डिजाइन स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेजी थी। तो अब चलते हैं केक बनाने, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बना हुआ था केक, पर मैंने यहाँ पे क्या किया ना भैया, छोटा छोटा सा केक बना। अब मैं सोच रहा हूँ ये भगवान, इतना छोटा सा केक इन दोनों के बीच में खाएगा कौन, काटेगा कौन। फिर मैंने क्या किया, फिर से उसको बड़ा बनाने का सोचा। तो फिर अब क्या करें, अब तो उसको हटा नहीं सकते, तो भैया जुगाड़ नाम का भी चीज़ है जो हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, वापस उसको ना थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया, और केक को बड़ा करते हुए ऊपर तक लेके आए। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं भाई, जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि होता ही होता है, बनाने जाते हैं कुछ और बन जाता है कुछ और, ये वाली परेशानी मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ तो होती रहती है कि नहीं। अब फिर आराम से धीरे धीरे करके हमने ये बना लिया। अब इसको कवर कैसे करेंगे, तो उसमें बना हुआ था आसमानी कलर का, सेम वही कलर से मैंने उसको भर दिया, ताकि जो लाइन छोटी वाली थी ना ब्लैक वाली, वो नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए। और सेम ऐसे ही कलर का था भी जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया था ना उसमें। अब ये साइड में जो कान है, तो एक साइड में जेनी कर रही है कान का काम, और मैं कर रही हूँ केक और कुत्ते का काम, तो ये दोनों मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, ये बनाना इतना आसान नहीं था जितना आसान हम लोग सोच रहे थे, ठीक है। मुझे लगा था मैंने बस, अरे यार फोंडेंट काटेंगे या आँख लगा देंगे, मुंह लगा देंगे, चिपका देंगे, हो गया, पर ऐसा नहीं है। बहुत टाइम गया था ये बनाने के लिए, 1.5 से 2 घंटे मेरे चले गए थे इस केक में। और ये केक मैंने ज़्यादा बनाया है, ये 1 kg नहीं है, ये 1 kg 600 ग्राम केक है, पर मेरी सहेली ने बोला था कि तुम 1 किलो ही बना के देना, 600 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा इसलिए किया। अब ये मैं सोचूंगा कि मैंने इतना काम किया शायद इसके लिए वेट बढ़ी, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं जिससे वेट बढ़ जाए, ये मैंने कुछ जानबूझ के ही बनाया था। और वैसे नॉर्मली 3 लेयर की बनाती हूँ, ये मैंने 4 लेयर का बनाया। अब जो कटिंग किए थे ना, ये तो मैं लाइव क्लास में कर ली, जब लाइव क्लास कराया था ना तभी मैं कर ली थी। तो वापस उसी को क्या कर रही हूँ, सबको पहले लगा रही हूँ, और फिर इन सब पे ना ब्लैक जो हम लोग क्रीम बनाए थे ना उसी से कर लेना है डिजाइन एकदम सुंदर, वो जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग बीच में एक केक बहुत ट्रेंडिंग में आया था ना, कौन सा केक था जो पूरा व्हाइट बनता था उसके ऊपर, कॉमिक कॉमिक केक जैसा था कुछ, वैसा ही ये लोग बना रहे हैं। एकदम सुंदर लुक आ रहा था, एकदम एकदम मस्त लग रहा था, और आप लोग भी देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ढेर सारी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और हाँ, हमारी
नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है 28 मई से, तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं फटाफट से दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और सीट कंफर्म कर लीजिए। और ये 7 डे की वर्कशॉप हो रही है मुंबई में, आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे नए नए तरीके आपको बताऊंगी केक बनाने के, नए आइडियाज़ बताएंगे केक बनाने के, बहुत सारे स्पॉन्ज कवर होंगे इसे गेहूँ के आटे से, मैदे से, प्रमिक्स से, और सबकी केक डेकोरेशन सिखाई जाएगी, ट्रफल केक, वेडिंग केक, टू टायर केक सब रहेगा, श्यूमर केक, फोटो केक, सब 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 ए टू जेड, पान केक, बिस्कॉफ केक सब रहेगा, और ब्राउनी, कुनाफा, बकलावा, क्रीम चीज़ केक, डोनट, फिलिंग वाले डोनट, फ्लावर ब्रेड सब रहेंगे। तो दीवन